सा ऊपर आते आते एक छोटा सा मंदिर है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। चलिए देखते हैं उस मंदिर को भी। ये देखिए, ये वो मंदिर है। सो फ्रेंड्स, ये है भोलेनाथ का मंदिर। ये कितने साल पुराना है? ये दोबारा बनाया 2001 में। अच्छा, ये दोबारा 2000। ज्यादा ही देखना चाहते हैं तो जूते निकालो, इसमें ओंकार है। अच्छा, दूध का दूध पानी पानी अलग होता है सीधा अंदर। अच्छा हाँ जी, चलिए देखते हैं। हाँ, तो आपके साथ। चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, ये है, मैं अंदर से दर्शन करवाता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर दूध अलग हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये स्वयं ओंकार है, ये जलंकार है, जो जोरताल गंगा है वो अनंत गहरी है, उसमें ये शेषनाग जी का वास, नारायण भगवान जी, ये अनंत वास के शंकर नाग रूप है, ये दोनों शेषनाग, ये अनंत अनंत वास की शंकर भूतनाथ जी, ये शंकर का रूप, समझिए सर। हाँ जी हाँ जी। अब ऊपर देखो सर, ये जो है स्वयं चंद्रशेखर भी है। अच्छा जी, ये दिख रहा है। हाँ, चंद्रमौली दिख रहा है। अब ये बीच में सूर्य भगवान भी है। हाँ, ऊपर दिख रहा है। हाँ, दिख गया। और मुख दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए जो है ओंकार है। अच्छा, ओंकार आपने जैसे बना देते हैं, इसलिए इसमें दूध दिख रहा है नीचे। हाँ, दिख रहा है ना, वो पूरा दूध है उसके नीचे। हाँ, पहले मैं आपको पानी दिखाऊं, उसे अलग निकाल के। अच्छा जी, ये देखो, ये सर पूरा दूध है इसमें, अभी आप निकालेंगे तो पानी साफ अलग हो जाता है। ठीक है सर, तो ये देखिए दोस्तों, ये पानी अलग है इसमें। और मैं दिखता तो यहाँ से दिखाता हूँ अभी, और धागे भी दिखा दूंगा। ये देखो, दूध डालेंगे, ये दूध डालेंगे नीचे, देखो। हाँ, ये दूध नीचे पानी में अलग हो जाएगा, सीधे नीचे जाएगा। ये देखो, दूध अलग हो गया नीचे, और पानी ऑटोमेटिकली अलग हो गया देता वो। ठीक है, लेकिन नहीं है तो मिंडी में जो है उसका असर पड़ जाता है। ये देखो, सेट हो रहा है वो, लेकिन पूरा अलग हो जाता है वो, है कि नहीं? क्या कुदरत का क्या चमत्कार है। हाँ, बोलते हैं ना हिंदुस्तान में कि दूध का दूध पानी पानी, देखा नहीं हो तो देख लो। फ्रेंड्स, आपने दूध का, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये विष्णु है और वो शिव है, शिव प्राण है, ये जीव है। हाँ जी, समझ गए, इसी को शिव बोलते हैं। अरे स्वयं होगा नीचे, दूध देख रहे हैं आप। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, दूध देखो बिल्कुल पानी अलग हो गया, जहाँ दूध पड़ा जहाँ पानी पड़ा उसे देखो, ये पानी दिखा दो मैं आपको। हाँ जी, और दूध अलग हो गया इसमें, साक्षात है। तो आज साक्षात आपने देखा कि दूध का दूध और पानी का पानी की जो कहावत है वो पुरानी, वो सही है बिल्कुल। आज ही देखो ये। हाँ, और हमने आज पहली बार देखा है यहाँ पर ये, और दूध का दूध पानी का पानी। दोस्तों, आप सब भी वही होता है, और ये नहीं भगवान चले जा गए। ठीक है, हरिओम, हरे हम जी, टीका लगा दीजिए। हाँ, टीका लगाओ और परिक्रमा करना, तो आला भी पुण्य भी मिलेगा। हाँ जी, और तुम्हें मुँह मीठा कर लो। ठीक है, चलो जाओ। जय हो भोलेनाथ जी की। तो फ्रेंड्स, देखा आपने दूध का दूध और पानी का पानी कैसे अलग कर दिया एक सेकेंड के अंदर। आपने अभी तक कहावतों में ही सुना था, आज हमने आपको साक्षात दिखा दिया, तो बहुत अच्छा लगा। आप भी जरूर आइएगा यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ की एक और खासियत दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो सामने पूरे पहाड़ से दिख रहे हैं, ये हाथी का रूप है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो पूरी हाथी की शेप बनी हुई है। आप मेरे लेफ्ट साइड में देखो पहले, और फिर राइट साइड में देखो, और बीच में देखिए एकदम सूंड आ रही है बनी हुई, और वो पूरी नीचे तक यहाँ तक आ रही है। ये देखिए यहाँ तक, तो ये पूरा हाथी का मत्था बना हुआ है यहाँ पर, और हाथी के मत्थे से जो एक दांत से इसमें से पानी निकल के आता है, जो यहाँ मंदिर की तरफ आता है, और एक उस साइड को, और ऐसे ही सेम यहाँ पे बिल्कुल वो सामने आप पत्थर देख रहे हो, वो देखो माँ किसका है, माँ चंडिका की शिला है, माँ चंडिका की शिला है वो, देखो आप। और ये देखो मानो को, हाँ क्या चाहिए, ये देखो क्यूटी को, फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ बरास का जूस, जो यहाँ का फेमस जूस है। ये देखिए, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, सॉरी, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फूल दिखाए थे लाल रंग के, ये उसका जूस है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ब्लड वगैरह के लिए खून साफ करता है आपका, हिम्मत बहुत बढ़ाता है, एनर्जी बहुत देता है। तो
तो ये बहुत बढ़िया जूस है, ये देखिए आप, मेरे पीछे मत देखना बिल्कुल भी। तो चलिए अब पीते हैं इसको, टांग अड़ाने वालों की कमी नहीं है वैसे। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। अच्छा। दिल्ली से है, दिल्ली से। मैं भी देवताओं के जागर गाती हूँ। अच्छा, यहाँ की गायिका हूँ मैं थोड़ा बहुत। अरे वाह, हमें कुछ सुनाओ। चलो दोस्तों बुरास का जूस पीते हैं। ये देखिए हो गया चप्पर चप्पर। अच्छा अच्छा, मैं अभी टेस्ट बताता हूँ आपको इसका कैसा है। वाह, अल्टीमेट है, अल्टीमेट, मजा आ गया, कसम से मजा आ गया, दिल खुश हो गया मेरा, गार्डन गार्डन हो गया, इतना बढ़िया। ओए होए लाजवाब, दिल कर रहा है। कहाँ पर मिलता है ये? ये ऊखी मठ मिलता है। अच्छा, जोशी मठ में। ऊखी मठ, ऊखी मठ। वो कितना है यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर। आप आए हैं वही रास्ते में? अच्छा, ऊपर बाजार जाना पड़ता है ना। अच्छा होता है। अच्छा जी, तो दोस्तों जाते हुए लेके चलेंगे, मुझे तो बहुत पसंद आया और आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप एक बार जरूर दर्शन करने आओ यहाँ पर, और दूध का दूध और पानी का पानी देखो अपनी आँखों से। चलो दोस्तों चलते हैं अब आगे। ठीक है, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ जी की, जय हो। सो फ्रेंड्स, देखा आपने मंदिर की घंटी की आवाज कितनी कानों को शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर, देवरिया ताल पर। बहुत लेट हो गए भाई हम।